नहीं तो वी रीच द एयरपोर्ट एंड अभी वी आर वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वी कैन एंटर इनसाइड. रीच द एयरपोर्ट और सिंगापुर जा रहे हैं. बाकी की अपडेट्स बाद में. Hello everyone. Hello. This is your own Jessie and we are going to Singapore and देखते हैं आगे क्या क्या कहाँ कहाँ जाएंगे क्या क्या करेंगे. फिलहाल तो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और आप बोलो कुछ, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपको कैसा लग रहा है? बहुत excited है. Just wait कर रहे हैं अपने एक और कजन की, फिर हम अंदर जाएंगे और इसी के साथ आपको भी साथ में हम लोग टूर कराएंगे. एयरपोर्ट टूर होगा और इसी के साथ आपको साथ में बताएंगे कैसे चेक इन काउंटर पे आपका टाइम सेव हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये सारा यही बताएगा. मैं कुछ नहीं बताने वाली, मेरे पास इतना टाइम नहीं. एंजॉय करते आए हैं रिपोर्टिंग कर. चलो अंदर चल के मिलते हैं. सो फाइनली वी आर मूविंग इन. अभी लेट हो गए हैं, देखते हैं चेक इन काउंटर पे कितनी देर लगती है. अभी फाइनली वी आर एट चेक इन काउंटर और चेक इन करवा रहे हैं. सो हमारे फाइनली बोर्डिंग पासेस हमारे पास आ चुके हैं एंड अब हम लोग सिक्योरिटी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं. सो बाकी की बातें बाद में. तो सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो गया है और अभी हम ड्यूटी फ्री में आ गए हैं. देखते हैं क्या खाना पीना है, कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं. तो देखते हैं कुछ मिल जाए तो, क्योंकि फ्लाइट तो 12 बजे की है, उससे पहले अभी थोड़ा सा मस्ती मार लेते हैं. अभी नाउ वी आर वेटिंग एट मैकडोनल्ड्स. अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है तो हम यहाँ पर रुके हैं. सो फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बोर्डिंग और जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए. पता नहीं फाइनल कॉल भी हो चुकी है, पता नहीं हम टाइम पर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे. तो देखते हैं अगले एपिसोड में मिलते हैं. क्या जसविंदर अपना फ्लाइट बोर्ड कर पाई या नहीं कर पाई. टन टन. तो हम अब बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट में. वी आर देयर और बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ऑब्वियसली, इसीलिए हम आ चुके हैं यहाँ पर और फ्लाइट में पहुँच गए हैं. अब बोर्ड करने लगे हैं. तो बीच में रुकवा भी नहीं सकते कि भाई थोड़ी देर रुक दो, नीचे खड़े होने तो
चुके हैं पूरी तरह से, 5 बजे का अराइवल टाइम है, देखो क्या होता है, स्टे ट्यून्ड। सिंगापुर एयरपोर्ट, अभी अभी पहुँचे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। पहले व्हील चेयर नहीं मिल रही थी मदर के लिए, और फिर उसके बाद इमिग्रेशन में भी थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। अभी पहुँच तो गए हैं, अभी आगे देखते हैं अब क्या करने वाले हैं हम लोग। वैसे अब हम सीधा अपने होटल ही जाएंगे, लेट्स सी वहाँ पे कैसा है माहौल, क्या है कैसा है। चलो सी यू देयर। सोई नहीं हूँ सारी रात प्लेन में और बहुत टायर्ड हूँ, तो लेट्स सी। रात के 2:05 हो गए हैं और अब हम पहुँचे हैं अपने होटल में, बहुत टायर्ड हैं, गोइंग टू स्लीप, बाय।